आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का फॉर्म को लेकर एक डाउट सभी के माइंड में बहुत ज्यादा है और वीडियो के नीचे बहुत सारा कमेंट आ रहा है। दो कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं दो डाउट आप सभी का पानी की तरह क्लियर कर दे रहा हूं ताकि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके माइंड में ये डाउट ना रह जाए। और फॉर्म में क्या क्या चाहिए, एज क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल हाइट, सब कुछ मैंने बता दिया है एक वीडियो में। आपको 10 से 12 मिनट का वीडियो A to Z इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है। वो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बहुत जगह देख रहा हूं एक डाउट बहुत जन के माइंड में आ रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है कि भैया जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म निकला है ना, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं इस चीज को प्रूफ के साथ आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूं क्या क्या बताया गया है। देखो, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, एक बार ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मैंने वो लाइन कट कर लिया है, एक बार आप सभी वो देख लो। एक बार ऊपर में क्या आपको दिखाई दे रहा है, बोला गया है मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। देखो यहां पर क्या बोला गया है, अच्छे से समझना। मेल यानी एक पहला डाउट यह क्लियर होता है कि जो फीमेल है ना उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पहला क्लियर, मेल के लिए मस्ट बोला है यानी ये बिल्कुल जरूरी है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना ही चाहिए। और साथ ही साथ लास्ट लाइन को भी एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, ये भी डाउट दिमाग में क्लियर कर लेना आप सभी का। क्या बोला है, लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं आपका टेस्टिंग होता है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपका मिलने से पहले आपको एक क्या मिलता है, लर्नर। वो लर्नर भी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी आपको प्रॉपर वे में ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो चाहिए, मतलब चाहिए। अगर है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं, एग्जाम से पहले जो है हम ड्राइविंग लाइसेंस बना लेंगे और मेरे पास लाइसेंस जो है वो आ जाएगा, तब भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, याद रखिएगा। दूसरा डाउट जो बहुत जन के माइंड में आ रहा है कि भैया जो सेंटर है, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है सेंटर को लेकर कि भैया अगर हम एग्जाम देंगे तो सेंटर हमें दिल्ली में आकर एग्जाम देना पड़ेगा क्या। बिल्कुल नहीं, ये भी आप याद रखना। फॉर्म तो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप एग्जाम आपको दिल्ली में आकर नहीं देना पड़ेगा। मैंने इसके पहले वाला वीडियो जो है ना उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। आप जिस भी स्टेट में, जिस भी रीजन में है ना, वहां पर सेंटर बता दिया गया है कि आपके राज्य में ये सेंटर पड़ेगा, तो आप वहां पर जाकर एग्जाम दे सकते हैं, आपको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दो डाउट आपके माइंड से क्लियर हो गया होगा। और एक बात, आज शाम को ना 6 बजे, कितने बजे, 6 बजे एक स्ट्रैटेजी वीडियो दे दूंगा सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर हमारे तरफ से। और विश्वास मानो, सिलेक्शन का गारंटी अगर आप उतना कर लेते हैं ना तो फ्री में, मुफ्त में आप बिना कोचिंग सेंटर के भी एग्जाम निकाल सकते हैं। पूरा तथ्य के साथ स्ट्रैटेजी वीडियो में बताऊंगा। उतना अगर कर लेंगे ना तो बहुत ज्यादा टेंशन प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, भैया सिलेबस कंप्लीट, कुछ नहीं। आपको बस मेहनत करना है, वो भी सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, आपका एग्जाम जो है वो आराम से निकल जाएगा। तो स्ट्रैटेजी वीडियो में बात करूंगा शाम को 6 बजे सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। उसके पहले बोलूंगा आप सभी जो भी चैनल पर आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी का मिस ना हो और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाए फ्री में और आप हर एक वीडियो देख पाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपका दो डाउट पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए